हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पार्ट टू में कुछ DIY आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसी कबाड़ से पार्ट वन में कुछ DIY आपके साथ शेयर किया था, तो पार्ट टू में मैं फिर DIY लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो ये जो बॉटल को हमने कट किया है उसका ऊपर का हिस्सा हम लेंगे और उसको सबसे पहले पेंट कर देंगे। तो सारे कट बॉटल को हम रेड कलर से पेंट करेंगे। तो ये ऑयल पेंट लिया है क्योंकि एक तो ज़्यादा बॉटल को कलर करना है तो कलर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और मेरे पास ऑयल पेंट पड़ा था तो, और ऑयल पेंट वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिक होता है, इसीलिए मैंने ऑयल पेंट का यूज़ किया है। तो पेंट सूख जाने के बाद इसको मैंने एक दोरी से तीनों साइडों पे इसको बांध लिया है। इसी तरह से आप देखिए, इस तरह से मैंने तीनों साइड पे दोरी की मदद से हम बांध लेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इतने छोटे और प्लास्टिक की बोतल में प्लांट कैसे ग्रो हो सकता है, पर इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्लांट है जो ऐसी छोटी छोटी बॉटलों में ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट, सर्कुलेंट पौधा, फिर टर्टल वाइन हो गई, फिर जेड का पौधा हो गया, और ये इजी टू ग्रो है तो आप इसमें आसानी से आप प्लांट लगा सकते हैं और इससे आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है और आपके पैसे भी बच जाते हैं। मैं कभी भी वेस्ट बॉटल हो, डब्बे हो, ढक्कन हो या फिर कार्डबोर्ड हो, कुछ भी फेंकती नहीं और सोचती हूँ कि इसका क्या DIY बन सकता है। तो ऐसे ही आप जो भी का घर में जो वेस्ट मटेरियल हो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी सारे ऐसे घर में वेस्ट मटेरियल से जो DIY बनेंगे, क्या DIY बन सकता है, तो वो आइडिया लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह से मैंने दोरी को बांध के तीनों साइड पे बांध लिया और बीच में इस तरह से मैंने गांठ लगा दी ताकि ये जो बोतल है इसका संतुलन रहे। तो इसी तरह ये जो हमने एक बोतल तैयार की है, इसी तरह और बोतलों को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और फिर इस तरह से हम बोतल को तैयार करने के बाद ऐसी एक लकड़ी लेंगे, लकड़ी हो तो लकड़ी, पाइप हो तो पाइप, कुछ भी चलेगा। तो इस तरह से मेरे पास लकड़ी थी तो मैंने एक लकड़ी ले ली और इस तरह से बोतल को रख के देख लिया कि किस तरह से इसको सेट करना है। तो मैंने सेट करके देख लिया, इसको हम इसमें क्या करेंगे कि पहले मिट्टी भर देंगे। तो फ्रेंड्स, प्लांट के लिए हमें कौन सी मिट्टी चाहिए, मैं इसमें कौन सी मिट्टी भरती हूँ, कौन सी इसमें खाद डालती हूँ, किस तरह से मिट्टी को तैयार करती हूँ और इस प्लांट की केयर कैसे करती हूँ, ये भी आने वाले वीडियो में आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने मिट्टी तैयार की है। इसमें मैंने इस प्लांटर में मैंने गोबर की खाद, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी रेत और कोकोपीट, इस तरह से मैंने इसमें मिट्टी तैयार की है। कोकोपीट डालने से क्या होता है कि हमारा जो पॉट होता है वो हल्का होता है, भारी नहीं होता। तो अगर आप जो पॉट हैंग करते हैं, जो हैंगिंग पॉट होते हैं, उसके लिए आप जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें आप कोकोपीट जरूर डालिए ताकि पॉट हल्का रहे।
और इस तरह से मैंने एक DIY रेडी कर लिया है और इसको हैंग कर दिया है अपने गार्डन में। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप वेस्ट मटेरियल से DIY बनके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक DIY बना लिया और इसको हैंग कर दिया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हमारा एक DIY बनके रेडी हो गया है। अब हम दूसरा DIY बनाएंगे इसके बाद। दूसरा DIY हम बनाएंगे तो उसको मैंने उसके लिए मैंने एक ढक्कन लिया है, इस तरह से दो ढक्कन लिए हैं और ढक्कन को मैंने पेंट कर लिया है। तो ये कलरफुल ढक्कन है पिंक कलर के, तो मैं इसको वाइट पेंट कर दूंगी। इस तरह से ढक्कन को मैंने वाइट पेंट कर दिया है। और फिर इस पे पेंट करने के बाद, सूख जाने के बाद, इस पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद उस पे हम कलर भर देंगे। इस तरह मैंने जो भी मन में आया वो कलर जो अच्छा लगा वो इसमें कलर भर दिए, कलर ऐड कर दिए हैं। पार्ट वन में हमने काफ़ी सारे DIY बनाए थे, प्लांटर बनाए थे, वो आपके साथ शेयर किए थे। तो आप पार्ट वन को ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो आप कमेंट पे हमें ज़रूर बताना। तो ऐसे ही हम गार्डन रिलेटेड वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे और कुछ होम डेकोर DIY भी लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो इसी तरह मैंने इस ढक्कन पे पेंसिल से ड्रॉ करके इसमें कलर भर दिए हैं। आने वाले वीडियो में हम आपके साथ काफ़ी सारे DIY शेयर करेंगे, होम डेकोर रिलेटेड वीडियो शेयर करेंगे, किचन रिलेटेड वीडियो शेयर करेंगे, कुछ हैक्स शेयर करेंगे, कुछ गार्डन डेकोर वीडियो शेयर करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये वीडियो मैंने फुल सनलाइट में, बाहर नेचुरल लाइट में शूट किया था, तो इसीलिए इस पे अब शाम हो गई है तो धूप आने लग गई है। इसी तरह इसमें कलर भर देंगे, इस तरह से आसान से डिज़ाइन हम बना देंगे। तो ये इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत आसान है और इसमें जो भी कलर आपको पसंद आए वो भर दीजिए। इस तरह से मैंने एक ढक्कन पे ड्रॉ करके उसमें कलर भर के एक वॉल डेकोर हमने इसको रेडी कर लिया है। तो ये हमारा DIY बनके रेडी हो गए। तो इस तरह आप गार्डन में भी इसको वॉल पे लगा सकते हैं ताकि आपका गार्डन खूबसूरत लगे। गार्डन में भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो इसी तरह आप गार्डन में इसको हैंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको घर में भी इसको वॉल पे लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आने वाले हम ऐसे ही गार्डन रिलेटेड वीडियो का बाढ़ से जुगाड़ की वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।